हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। मैं हूँ वंदना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल वंदना के व्यंजन में। आज हमने बनाई है संक्रांति स्पेशल गजक, जो कि बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से बनने वाली है। पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपने पूरी वीडियो अच्छी तरह से देख ली तो गारंटी है आपकी गजक भी एकदम परफेक्ट बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए 250 ग्राम लिए हैं सफ़ेद तिल, 250 ग्राम लिए हैं। कढ़ाई को रखा है गैस पर, कढ़ाई को हमने अच्छी तरह गर्म कर लिया है, फिर गैस की फ्लेम को कर दिया है लो। इसमें डाल दिए हैं तिल और इन्हें हमें लो फ्लेम पर ही 2 मिनट के लिए भूनना है, 2-3 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं भूनना है। अगर हम ज़्यादा भून लेंगे तो जो हमारे तिल हैं वो कड़वे हो जाएंगे, इसलिए इसे चलाते ही रहना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही भूनना है, इसमें से हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद में ही हमें कढ़ाई को उतार लेना है गैस पर से। ये देखिए 2-3 मिनट के लिए मैं इसे चलाती रही हूँ, इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और 2-3 मिनट में ही हमारे तिल भुनकर तैयार हैं और ये हमने एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इन्हें हम ठंडा होने देंगे। तब तक हमने यहाँ पे मूंगफली के दाने भी थोड़े से भून लिए थे, मैंने दिखा नहीं पाई थी आपको। जो नॉर्मल पोहा वगैरह में डालते हैं वही मूंगफली के दाने हैं। अगर आपके पास भुने हुए रखे हैं तो उसको भी आप ले सकते हो। और ये यहाँ पे लिया है थोड़ा नारियल का बुरादा, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। और ये यहाँ पे ली है थोड़ी सी चीनी और ये लिया है गुड़। गुड़ और चीनी दोनों मिला करके ये सारी चीज़ें मैंने 300 ग्राम ली है। और ये तिल, मूंगफली के दाने और जो नारियल का बुरादा है, ये है चीज़ें हमारी सब हैं 250 ग्राम। ये तिल 250 ग्राम थे, उसमें से मैंने थोड़े से निकाल लिए थे, इसलिए मूंगफली और नारियल का बुरादा ऐड कर लिया है। तो ये सारी क्वांटिटी हो गई हमारी 250 ग्राम, 250 ग्राम। और जो गुड़ की और चीनी की है वो हो गई 300 ग्राम। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो उसको बढ़ा भी सकते हो, 400 ग्राम भी कर सकते हो। अब तिल को हमने मिक्सी के जार में डाल करके इसको पीस लिया है। इसको बिल्कुल बारीक सा, फाइन सा पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा सा ही पीसा है हमने, देख सकते हो आप। थोड़ा सा दरदरा ही रखना है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। अब हम इसी तरीके से इसमें मूंगफली के दाने डाल देंगे, उन्हें भी पीस लेंगे। और इसमें हमने 4 से 5 डाल दिए इलायची, स्वाद इसका बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा गजक में। और इसका भी देखिए, हमने ज़्यादा बारीक सा पाउडर नहीं बनाया है, थोड़ा दरदरा ही रखा है तिल की तरह ही। और ये अपने तिल में ही कर देंगे मिक्स। तो आपको याद दिला दूँ, प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने कभी बनाई है इस तरीके से गजक या नहीं। और ये हम अच्छी तरह कर देंगे अपने दोनों पाउडरों को मिक्स। इसमें ही हम जो नारियल का बुरादा है वो भी हमने मिला दिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप मिलाना चाहते तो मिला सकते हो, वरना पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हो। ये भी हमने इसी में ही मिला दिया है। अब कढ़ाई को रखा है फिर से हमने गैस पर, और उसमें डाला है 1 चम्मच देसी घी। घी से हमारी गजक बिल्कुल सॉफ्ट क्रंची बनेगी और देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगेगी, शाइनिंग वाली। अब इसमें डाल दी है मैंने चीनी और इसमें 3 से 4 चम्मच डाल दिया है पानी, बिल्कुल ये देख सकते हो आप, 3 से 4 चम्मच ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। चीनी से क्या होगा, जो हमारी गजक है उसका कलर देखने में बहुत बढ़िया लगेगा, शाइनिंग भी इससे ही आएगी, बिल्कुल मार्केट की तरह गजक बनकर तैयार होगी चीनी से। कभी कभी क्या होता है ना, गुड़ हमारा जो देसी गुड़ होता है वो कभी कभी इसका कलर डार्क हो जाता है, तो गजक भी हम बनाते हैं तो उसका कलर भी डार्क हो जाता है, देखने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने चीनी का यूज किया है। अगर आपका गुड़ सफ़ेद वाला गुड़ अलग से आता है, अगर वो हो तो आप चीनी स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ गुड़ का ही यूज कर सकते हैं। और जो गुड़ था, चीनी मेल्ट होने के बाद में हमने इसमें गुड़ भी डाल दिया है, लेकिन चीनी अच्छी तरह मेल्ट होने के बाद में ही गुड़ डालना है, याद रखिएगा, नहीं तो चीनी हमारी घुरेगी नहीं। और इसे हमें चलाते रहना है लो फ्लेम पर ही, इसे हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो जो गुड़ का कलर है वो डार्क हो जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं, इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है चीनी की वजह से, नहीं तो इसका कलर डार्क लगने लगता तो हमें समझ में नहीं आती पक गई है नहीं। और इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस थोड़े से इसे चलाते रहना है लो फ्लेम पर ही, जब इसमें ऐसे बबल्स आना शुरू हो जाए तो इसके बाद हमें 1 मिनट के लिए ही चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना है। और इसी के बाद में जो हमने पाउडर बना के रखा है वो इसी में डाल देना है, हमें कोई इसकी चाशनी बनाकर तैयार नहीं करनी है, कि हम पानी में डाल करके देखेंगे चाशनी तैयार है या नहीं, सिर्फ हमें 1 मिनट के लिए ही बबल्स आने के बाद में चलाते हुए इसमें पाउडर डाल देना है। गैस की फ्लेम को हमने लो ही रखा है,
अब से अच्छी तरह कर देंगे इसी में मिक्स। ये काम थोड़ा हमें जल्दी जल्दी ही करना है क्योंकि गुड़ है जो जल्दी जम जाता है इसे हवा लगते ही। और ये अच्छी तरह हमने कर दिया है मिक्स। अब मिक्स करने के बाद में गैस की फ्लेम को हमें लो ही रखना है, इसे 2 मिनट के लिए और चलाना है। 2 मिनट कह लो या आपकी कढ़ाई से जब तक ये जो हमने जो मिक्सचर बनाया है छूट नहीं, ये कढ़ाई अपने आप छोड़ देगा। जब तैयार हो जाएगा तो कढ़ाई अपने आप छोड़ देगा, इसे चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। सिर्फ मुझे 2 से 2.5 मिनट लगे थे इसे इस काम को करने के लिए। लो फ्लेम पर इसे चलाती रही हूँ और ये देखिए आसानी से कढ़ाई भी छोड़ रहा है। अब हमने लिया है एक फॉयल पेपर, आप चाहो तो बटर पेपर भी ले सकते हो या कोई प्लास्टिक की शीट भी ले सकते हो या डायरेक्ट प्लेट में भी हम थोड़ा सा घी लगा करके कर सकते हैं। और इस पर लगाया है 1 चम्मच घी, इसे अच्छी तरह पूरे पर फैला दिया है। अब जो मिक्सचर है गजक का वो हम इसी फॉयल पेपर पर डाल देंगे। बहुत ही आसानी से कम समय में बनकर तैयार होती है, बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर एक बार आपने इस तरीके से बनाई तो गारंटी लेती हूँ आपकी गजक परफेक्ट ही बनेगी। अब हम करेंगे क्या, फॉयल पेपर से इसे इधर से उधर अच्छी तरह थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। गर्म है, ध्यान रखना हाथ नहीं जल जाए। फॉयल पेपर थोड़ा हमारा जल्दी फट जाता है इसलिए ध्यान से करना है। इसे हम इधर से उधर थोड़ी 4-5 बार करते रहेंगे, जिससे क्या होगा जो तिल है उसमें से तेल भी थोड़ा रिलीज हो जाएगा। तेल छोड़ देंगे तिल, तो इससे हमारी गजक में भी शाइनिंग आएगी और सॉफ्टनेस भी बढ़िया बनेगी। ये देखिए अब मैंने इसी फॉयल पेपर पे इसे मैंने फैला दिया है। आप चाहो तो अलग से प्लेट में या थाली वगैरह में भी फैला सकते हो। मैं इसे अच्छी तरह इसी से फैला दूँगी। बेलन लिया है मैंने, बेलन की मदद से मैं इसे अच्छी तरह बेल दूँगी। इस पर थोड़ा सा लगा लिया है घी, जिससे कि ये गुड़ हमारा चिपके नहीं। ठंडा होने से पहले ही गरम गरम में ही हमें ये सारा कुछ कर लेना है सब कुछ। और इसे हम बेल देंगे, जितने भी आप मोटा पतला जैसा भी चाहो आप बेल सकते हो, नहीं तो आप इसे बेलन की तरह गोल भी बना सकते हो, इसमें से ऐसे भी काट सकते हो। ये देखिए मैंने इस तरीके से सीट बनाकर तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर डाले हैं मैंने जो तिल अपने पीसे थे उसमें से थोड़े से मैंने बचाए थे वो तिल डाल दिए हैं। और थोड़े से यहाँ पे काजू काट लिए थे, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो वरना स्किप भी कर सकते हो। अपने मनपसंद की यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो, डाल सकते हो। थोड़ा सा ये नारियल का बुरादा था वो भी मैंने डाल दिया है। अब इसे हम बेलन से इस पर बेल देंगे, जिससे कि ये इसमें अच्छी तरह चिपक जाए। ये देखिए तो मेरी गजक तो पहली बार में ही बहुत ही परफेक्ट एकदम बढ़िया बनकर तैयार हुई थी। आप भी जरूर बना करके देखिए संक्रांति में इस तरह से गजक, गारंटी है आपकी भी एकदम सही गजक बनेगी, बहुत ही सबको पसंद आने वाली है ये। अब इसे हम कटर से या चाकू की मदद से गर्म में ही इसे हम काट देंगे क्योंकि ठंडे होने के बाद ये जम जाएगी। आप मनचाहे शेप में इसे काट सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़े से बड़े बड़े पीस कर दिए हैं, जिस तरह के काजू कतली के होते हैं उसी तरीके से मैंने यहाँ पे बड़े बड़े पीस कर दिए हैं। तो प्लीज़ 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 आप वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आने वाली हर वीडियो आप सभी तक आसानी से भेज सकूँ। और ये देखिए हमने कट लगा के इसे हम 10-15 मिनट के लिए बिल्कुल ठंडा होने तक ऐसे ही छोड़ देंगे। और देखिए 10-15 मिनट के बाद बहुत ही स्वादिष्ट गजक बनकर तैयार है। तो आप भी एक बार बना करके जरूर देखिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगी बिना मेहनत किए। और ये हम इसमें से जो गजक है वो निकाल लेंगे, ये देख सकते हो आप कितनी आसानी से निकल रही है, बहुत ही सॉफ्ट मुलायम गजक बनकर तैयार हुई थी, खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी। तो इस तरीके से बनाओगे तो गारंटी है आप कभी फेल नहीं होगे, आपकी गजक परफेक्ट ही बनेगी। तैयार है हमारी संक्रांति के लिए गजक। आपने क्या क्या बनाती हो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाई के लड्डू भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो, वो भी बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं।
और ये हम कर देंगे इसकी प्लेटिंग बढ़िया सी, सजा देंगे इसे। ये देख सकते हो तैयार है हमारी तिल मूंगफली की गजक, बहुत ही कम सामान में, बहुत ही कम समय में देखिए कितनी आसानी से टूट रही है। वाओ, तो मेरे घर पे तो सबको बहुत पसंद आई थी, आप भी ज़रूर बना करके देखिएगा, गारंटी है आपकी गजक भी एकदम परफेक्ट मुलायम बनकर तैयार होगी, सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।